हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आईबीपीएस पीयू की नोटिफिकेशन आ चुकी है और एग्ज़ाम अब बस जस्ट वन और टू मंथ्स लेटर है। तो इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें हमें प्रीलिम्स में 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आज उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं जो है पैरा जंबल्स। तो आज इस क्वेश्चन को हम एक बार देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, अगेन इसमें हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं जिन्हें हमें एक पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट में हमें इन्हें अरेंज करना है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है। तो लेट्स सी, फर्स्ट पी है हमारे पास, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ डिफॉलियंट्स द यूएस मिलिट्री इंटेंशनली टारगेटेड कल्टिवेटेड लैंड डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स एंड डिस्टरप्टिंग राइस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कम्युनिस्ट एनएलएफ, a party devoted to reunification of North and South Vietnam. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम सारे सेंटेंसेज को एक बार क्विकली वी नीड टू गो थ्रू ऑल दीज सेंटेंसेज ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए पैसेज है किस बारे में, तभी हमें पता चलेगा कि इसका फर्स्ट सेंटेंस कौन सा हो सकता है। हम जस्ट एक सेंटेंस को देख के नहीं गेस कर सकते। तो फर्स्ट सेंटेंस हमें बता रहे हैं यूएस मिलिट्री के एक मे बी कुछ उन्होंने ऑपरेशन किया था जिसमें उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने डिस्ट्रॉय की थी क्रॉप्स एंड उन्होंने राइस प्रोडक्शन डिस्टर्ब कर दिया था किसी का, और वो ऑर्गेनाइजेशन था एनएलएफ। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सफिशियंट है फर्स्ट सेंटेंस से। सेकेंड है क्यू, सम 45 मिलियन लीटर्स ऑफ द पॉइजन स्प्रे वॉज एजेंट ऑरेंज विच कंटेन्स द टॉक्सिक कंपाउंड डाइऑक्सिन। तो एक फर्स्ट हमारे पास डिफॉलियंट्स की बात हो रही थी यानी कोई केमिकल है, और सेकेंड सेंटेंस में एक पर्टिकुलर केमिकल का नाम गिवन है एजेंट ऑरेंज which contains some toxic compound dioxin. Okay. R says that this is one of the greatest legacies of the country's 20-year-old war. तो ये legacy क्या होता है? Legacy होता है कि कोई जैसे maybe अगर war की बात हो रही है तो war के क्या after effects थे, उस war के होने के कितने, इसमें mention पे 20-year war, तो इतनी लंबी war थी उसके क्या after effects थे। तो ये जितने हमने अभी सेंटेंसेस देखे हैं देख के हमें नहीं लगता कि ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। नेक्स्ट है, अब पार्ट ऑफ ऑपरेशन रैंच हैंड ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर द यूएस स्प्रेड ओवर 73 मिलियन लीटर्स ऑफ केमिकल एजेंट्स ऑन द कंट्री टू स्ट्रिप अवे द वेजिटेशन दैट प्रोवाइडेड कवर फॉर वियतकॉन्ग ट्रूप्स इन एनिमी टेरिटरी। अब यहाँ पे हमारे पास एक नेम भी मैंशन है, ऑपरेशन रैंच हैंड, वॉर का नाम भी मैंशन है वियतनाम वॉर, एंड और ये मैंशन है कि यूएस ने इतना अमाउंट ऑफ एक केमिकल स्प्रे किया था। तो ये हमारा एक हो सकता है कि ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो, पर हम अभी श्योर नहीं है, लास्ट सेंटेंस हमें देखना चाहिए। तो लास्ट सेंटेंस है, इट हैज अनलीश्ड इन वियतनाम अ स्लो ऑनसेट डिजास्टर हुज डेवेस्टेटिंग इकोनॉमिक हेल्थ एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स दैट आर स्टिल बीइंग फेल्ट टुडे। तो ये इम्पैक्ट्स की बात कर रहा है, अगेन दिस शुड नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस, इट इज टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट्स। तो अगर हम सब सेंटेंसेस देखें तो उसमें जो केमिकल एजेंट्स की बात हो रही है पी क्यू एंड एस में हो रही है, और अगर हम तीनों में देखें तो हमारे पास जो मेंशन है सब्जेक्ट जो है वो है ऑपरेशन रैंच हैंड, और उसमें ही वॉर का नाम भी मेंशन है, तो एस शुड बी आर फर्स्ट सेंटेंस। ओके, तो अगर एस हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा कि यूएस मिलिट्री ने इतना केमिकल एजेंट्स उन्होंने स्प्रेड किए थे कहाँ पे, वियतनाम में, तो अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है, या तो अब इसी से रिलेटेड आइडिया को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पी और क्यू हमारे पी हमें बता रहे हैं कि केमिकल्स के बारे में डिफॉलियंट्स थे, और क्यू बता रहे हैं उनमें से एक एजेंट का नाम एजेंट ऑरेंज। तो अब इनमें से हमें कैसे पता चले कौन सा पहले आना चाहिए सेंटेंस, पी आई थिंक पी शुड कम फर्स्ट, क्यों, क्योंकि वो जो भी केमिकल्स मेंशन थे उसी आइडिया को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और बता रहे हैं उसका पर्पस क्या था उन केमिकल्स को स्प्रे करने का, वो था कि ये डिफॉलियंट्स थे, और वो ये आगे मेंशन है सेंटेंस में क्या कर रहे थे, दे टारगेटेड कल्टीवेटेड लैंड। तो कल्टीवेटेड लैंड जो भी क्रॉप्स थी जो एनिमीज जो थे वो क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे तो उसको डिस्ट्रॉय करना उनका मेन टारगेट था। तो एस पी नेक्स्ट सेंटेंस शुड बी क्यू, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि एस के बाद पी और क्यू आइडिया कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्यू उसमें से एक केमिकल का नाम हमें मेंशन करता है, वो है एजेंट ऑरेंज विच कंटेन्स द टॉक्सिक कंपाउंड डाइऑक्सिन। अब क्यू के बाद
या तो अब हमारे पास दो सेंटेंसेस बचते हैं आर और टी, तो आर लेगेसी की बात कर रहा है और टी भी आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस होगा। उसमें अगर हम देखें तो टी मेंशन कर रहा है, इट हैज अनलीश्ड इन वियतनाम अ स्लो ऑनसेट डिजास्टर हुज डेवास्टेटिंग इकोनॉमिक हेल्थ एंड इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स आर स्टिल बीइंग फेल्ट टुडे। तो टी कैरी फॉरवर्ड कैरी कर रहा है आइडिया जो मेंशन था क्यू में, एजेंट ऑरेंज में एक टॉक्सिक कंपाउंड था और उसके इफेक्ट्स क्या थे, उसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स थे जो कि आज भी कंटिन्यू हो रहे हैं। 20 ईयर लॉन्ग वॉर थी और उसके इफेक्ट्स अभी मेंशन अभी फील कर सकते हैं। बचता है आर, क्योंकि वो लेगेसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे इट शुड बी आर लास्ट सेंटेंस, क्योंकि वो बता रहे हैं कि उस ये जो केमिकल वॉरफेयर थी उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो अब भी इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेगेसीज एंड इट इज येट टू बी ऑनेस्टली कन्फ्रंटेड। ये कहीं ना कहीं एक कंक्लूड कर रहा है सेंटेंस को और कह रहे हैं कि ये इफेक्ट्स इन्हें ये दे आर येट टू बी कन्फ्रंटेड का मतलब है कि मे बी उनके ऊपर इतने डिस्कशन अभी नहीं हुई है और वो इसके साथ सेंटेंस इस पैसेज को कंक्लूड करता है। तो द करेक्ट ऑर्डर शुड बी एस टी क्यू टी आर, इट शुड बी आर आंसर। Thank you.